हेलो फ्रेंड्स माइ सेन उपरमा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स पार्टनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है एट दैट टाइम हमारे पास जितने भी रिजर्व होते हैं हमें सब राइट ऑफ करने होते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी राइट ऑफ करना होगा सर ये राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है इसे हम डेबिट कर देंगे तो राइट ऑफ हो जाएगा और ये राइट ऑफ हमें करना है होल अमाउंट से मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना भी अमाउंट होगा हमें पूरा अमाउंट राइट ऑफ करना है पूरा अमाउंट डेबिट करना है राइट ऑफ तो हम कर लेंगे लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया ही क्यों गया था क्या परपस था इसे बनाने का मान लेते हैं कि हमारी पार्टनरशिप हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं अब इन्वेस्टमेंट की एक खासियत होती है उसकी वैल्यू मार्केट में लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है बढ़ जाए तब तो ठीक है लेकिन अगर वैल्यू कम हो जाए तो इससे हमें लॉस हो सकता है ऐसे भविष्य में जो लॉस होने की आशंका बनी हुई रहती है ऐसे लॉस की भरपाई के लिए ही हम पहले से एक रिजर्व बनाकर रखते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आज जब हम इस रिजर्व को राइट ऑफ करेंगे तो भी सबसे पहले उसे उस पर्पस के लिए यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए हमने उसे बनाया था और उस पर्पस के लिए यूज कर लेने के बाद अगर कोई अमाउंट बच जाएगा तो हम उसे ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्योंकि रिजर्व पर जो अल्टीमेट अधिकार होता है वो ओनर्स का होता है पार्टनर्स का होता है सारी बातें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है आइए जरा एक बार रीड कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज यूज टू एडजस्ट द लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी में हम इसे इस लॉस को एडजस्ट करने में यूज करेंगे हो गया गया लॉस एडजस्ट फिर भी कुछ अमाउंट बाकी रह है तो क्या करें आफ्टर सच एडजस्टमेंट बैलेंस इफ एनी इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये हमने समझ लिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को राइट ऑफ करने का सिक्वेंस क्या होगा ठीक है अब इसके पहले कि मैं इलेस्ट्रेशन के थ्रू आपको सारी बातें एक्सप्लेन करूं तो बातें ध्यान रखना जरूरी है पहली बात ये कि चाहे कोई भी केस हो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पूरी तरह से राइट ऑफ करना है पहली बात दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो गई है उसकी वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए हमें उसे मार्केट वैल्यू पर शो करना है इन अदर वर्ड्स मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि हर एक सिचुएशन में हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करना है चाहे उसे अपवर्ड साइड में रिवैल्यू करने की जरूरत पड़े चाहे उसे डाउनवर्ड साइड में रिवैल्यू करने की जरूरत पड़े आपको सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी आगे हम इलेट्रेशन के थ्रू इसको समझते हैं देखिए मान लेते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं जिनका नाम है ए और बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है one one. और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि पचास हजार रुपए की है अब सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर ढेर सारे केसेस लिखे हैं केस वन लिखा हुआ है केस टू लिखा हुआ है केस थ्री लिखा है केस वन के दो तीन सब पार्ट बना दिए हैं मैंने लेकिन हर एक केस में एक बात कॉमन होगी और वो ये है इनवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर हमारे पास 50000 का है <coughs> सॉरी तो पूरे 50000 से उसे हम क्या कर देंगे राइट right ऑफ कर देंगे मींस पूरे 50000 से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे आइए देखते हैं यहां पर देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हमने 50000 से डेबिट कर दिया है पार्ट बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हमने पचास हजार से डेबिट कर दिया है पार्ट सी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हमने पचास हज़ार से यहाँ पर डेबिट कर दिया है देन केस टू में यहाँ पर भी फिर से पचास हजार से हमने डेबिट कर दिया है और केस थ्री में लास्ट में यहां पर फिर से हमने पचास हजार से डेबिट कर दिया है तो ये बात तो दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितनी भी वैल्यू का हमारे पास अवेलेबल होता है उस पूरी वैल्यू से उसे राइट उस चाहे कोई सी भी क्यों हो। दूसरी, बात। दूसरी बात मैं आपको हर एक जाऊंगा और वो ये है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना है चलिए अब हम वन बाय सारे केसेस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला केस है मार्केट वैल्यू इज लेस बुक वैल्यू बुक वैल्यू का मतलब परचेज मतलब किया था मार्केट वैल्यू का मतलब आज मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह गई है अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई है बुक वैल्यू से तो जिस बात की हमें आशंका थी जिस आशंका के चलते हमने यहाँ पर यह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजल्ट बनाया था कि कल के डेट में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में कम हो सकती है और हमें लॉस हो सकता है तो वही चीज यहाँ पर हो जा रही है हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का डाउनवर्ड वैल्यूएशन करना होगा सर डाउनवर्ड वैल्यूएशन का मतलब क्या है ये देखिए बुक वैल्यू हमारी कितनी थी दो लाख इन्वेस्टमेंट हमने कितने में परचेज किया था दो लाख रुपए में कुछ समय गुजर चुका है इस बात को और आज आज उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू मात्र एक लाख सत्तर हजार रुपए के बराबर है अब वो इन्वेस्टमेंट आज भी मेरी बुक्स में दो लाख रुपए का नजर आ रहा है लेकिन मुझे उसे अपने बुक्स में रीवैल्यू करके डाउनवर्ड रीवैल्यू करके उसे मुझे एक लाख सत्तर हजार रुपए पर दिखाना है मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है एसेट होता है डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है जिसका डेबिट बैलेंस है इन्वेस्टमेंट जिसका डेबिट बैलेंस है मुझे उसे डाउनवर्ड साइड में रिवैल्यू करना है मुझे उसकी वैल्यू को कम करना है तो मुझे उसे क्रेडिट करना होगा कितने से क्रेडिट करना होगा जितने का हमें लॉस हो गया है उतने से हमें क्रेडिट करना होगा तो देखिए यहां पर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर तीस हजार रुपए से क्रेडिट कर दिया है आगे की बातें हम अभी समझ लेंगे लेकिन पहले मैं हर एक केस में आपको समझा देना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम किस तरह से लेकर चल रहे हैं ये देखिए केस नंबर टू हमने खरीदा था दो लाख रुपए में आज मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक लाख पचास हजार रुपए की रह गई है इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट को मुझे पचास हजार रुपए से डाउनवर्ड वैल्यू करना है मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा पचास हजार रुपए से <coughs> सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया है पचास हजार रुपए से ये वाला केस पढ़ लेते हैं बुक वैल्यू यहाँ पर दो लाख रुपए का है मार्केट वैल्यू एक लाख तीस हजार रुपए की हो गई है नुकसान हो गया है हमको सत्तर हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सत्तर हजार रुपए से कम हो गई है तो इन्वेस्टमेंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा सेवेंटी थाउजेंड रुपीज से ये देखिए सर सेवेंटी थाउजेंड रुपीज यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू दो लाख रुपए था लेकिन आज मार्केट में उसकी वैल्यू बीस हजार रुपए से बढ़ गई है और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है दो लाख बीस हजार रुपये तो हमें इस इन्वेस्टमेंट को अपनी किताबों में दो लाख बीस हजार रुपए का दिखाना है अब उसकी वैल्यू कम नहीं करनी है बढ़ानी है तो अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमको क्रेडिट नहीं करना है, करना है डेबिट बीस हजार रुपए से से ये देखिए जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने यहाँ पर डेबिट करके रखा हुआ है यहां मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू एग्जैक्टली सेम है फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट वैल्यू दो लाख रुपए का है और सॉरी बुक वैल्यू दो लाख रुपए का है तो मार्केट वैल्यू भी कितने का है

बीस हजार बाकी रह गया है वो हमें पार्टनर्स को बांटना है बराबर बराबर। तो थे वो पूरी तरह से यूज हो गए इस लॉस की भरपाई करने के लिए कोई अमाउंट बाकी नहीं रह गया है कोई भी अमाउंट बैलेंस के रूप में हमारे पास नहीं आ रहा है जिसे हम पार्टनर्स को बांट सकें दैट्स वाई हम यहां पर पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे यहां पर यहां पर हमारे पास बुक वैल्यू दो लाख रुपए की थी मार्केट वैल्यू एक लाख तीस हजार रुपए का था सत्तर हजार रुपए का लॉस हो गया अब लॉस हो जा रहा है सत्तर हजार रुपए का लेकिन इतना तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में था ही नहीं लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पचास हजार रुपए से ही डेबिट किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट सत्तर हजार रुपए से ही क्रेडिट किया जाएगा हमें यहां पर ओपन करना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बीस हजार रुपए से यहां पर देखकर बताइए रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया जा रहा है या क्रेडिट किया जा रहा है क्योंकि रीवैल्यूएशन से कभी फायदा भी हो सकता है और कभी नुकसान भी हो सकता है रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर यहाँ पर डेबिट किया जा रहा है <coughs> सॉरी तो इसका मतलब है कि हमें रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है अगर रिवे अकाउंट क्रेडिट किया जाता तो इसका मतलब होता कि हमें रिवेल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है तो फिलहाल यहाँ पर रिवेल्यूएशन का लॉस हुआ है हमें और हम ये जो रिवेल्युएशन का लॉस है उसे राइट ऑफ कर देंगे लॉस दोनों पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा बराबर बराबर तो रिवेल्यूशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट था इसे हम राइट ऑफ करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और दोनों पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा बराबर बराबर केस नंबर टू वैल्यू दो लाख रुपए की है मार्केट वैल्यू दो लाख बीस हजार रुपए की हो गई फायदा हो गया बीस हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे पास था पचास हजार रुपए का उसे हम पहले यूज करने वाले थे लॉस को एडजस्ट करने के लिए लेकिन लॉस तो यहाँ पर हुआ ही नहीं तो पूरा पचास हजार रुपए हम सीधे पार्टनर्स को बांट देंगे पूरा पचास हजार रुपए सीधे पार्टनर्स को बांट दिया गया

सबसे लास्ट केस जो यहाँ पर मैंने लिखा है उसमें मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों आपस में बराबर है बुक वैल्यू अगर दो लाख रुपए की थी तो मार्केट वैल्यू भी दो लाख रुपए की है ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है लेकिन वो जो पचास हजार रुपए का हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो तो हमें राइट right ऑफ करना है अगर कोई लॉस होता तो हम वहां एडजस्ट करते नहीं हुआ है तो पूरा अमाउंट हम बांट देंगे पार्टनर्स को बराबर बराबर तो देखिए पचास रुपए दोनों पार्टनर्स में बांट दिया गया है बराबर बराबर बांट दिया गया है उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ तब तक पढ़ते रहो पढ़ते रहो